So hello guys, welcome back to the Rich Money. This is Gautam Kashyap. Or before going to the for the video, मैं दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. इस दिवाली आप सभी के घर में खुशियाँ और पैसे भी. तो सभी को हैप्पी दिवाली एंड बी अ सेफ. आप क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं वो भी सेफली बर्न करो, ठीक है. एंड कमिंग बैक टू द वीडियो, कि मैं वीडियो इस वीक का जो वीकली एनालिसिस है वो मैं डालने वाला हूँ. लास्ट वीक नहीं डाल पाया था. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है. मैं सोच रहा था कि मुझे इस दिवाली तक 400-500 तक का अगर सब्सक्राइबर मिल जाता तो इट विल बी ग्रेट. और अगर मिल जाता तो आई कम, मैं कल लाइव आऊँगा ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग, ठीक है. पूरा मुहूर्त ट्रेडिंग में लाइव रहूँगा अगर ये 500 हो जाता है तो. लेट्स सी. एंड जो लोग न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि मैं वीकली अपने पोजीशंस का एनालिसिस करता हूं जिससे आप कुछ सीख सको. तो आज का भी वीडियो वही है. और मैं बहुत बहुत ही अच्छा वीक रहा है ये फॉर ट्रेडिंग एंड ऑप्शंस. और ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि ये आपको ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से ईजिली पैसा बनता है, कभी कभी बहुत ईजिली बनता है, क्योंकि IV क्रैश होने के कारण, आपका जो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्रैश होने के कारण कैसे ऑप्शंस की प्राइस बहुत सडनली डाउन हो जाती है, ठीक है. तो वो इस वीडियो में आपको प्रॉपरली दिखेगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स 11:40, मार्केट लाइव चल रहा है. एक्सपायरी आज ही है, क्योंकि कल छुट्टी है, कल हॉलीडे है. तो आज ही एक्सपायरी है, कल मुहूर्त ट्रेडिंग ज़रूर होगा. तो ये मेरे पोजीशंस थे फाइनली ऑन इस वीक के. और अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रॉफिट चल रहा है. और ये मैं बताता हूँ कैसे मैंने कब एग्जीक्यूट किया, किस टाइम पे कैसे हुआ और किस टाइम पे मुझे IV ये जो है ये जो इतने दो जो हर वीडियो आप देख रहे थे उसमें कितने सारे एडजस्टमेंट्स थे, इसमें एक भी एडजस्टमेंट्स नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे IV क्रैश का बड़ा फ़ायदा हुआ है. तो मेरा जो ट्रेड था वो फ्राइडे को एग्जीक्यूट हुआ था. एज यूजुअल मैं फ्राइडे एग्जीक्यूट करता हूँ. आप यहाँ पे अगर मेजर करोगे इस पॉइंट पे देखो ऑलमोस्ट 1000% का फॉल हुआ था फर्स्ट 15 मिनट में ही. तो इतना ज़्यादा फॉल होने के बाद IV बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ था. मैं आपको एम्प्लॉयड इंडिया विक्स की चार्ट दिखा देता हूँ उस दिन की. सो फ्राइडे का अगर आप देखो तो इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 19 के आसपास, ठीक है. और काफ़ी 8-10% का हाइक हुआ था. 19.5 के आसपास ट्रेड हो रहा था. तो स्पाइक की वजह से ऑप्शंस की प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी. और अगर मैं इस टाइम पे दिखाऊं, इस टाइम पे अगर आप कभी ट्रेड कर रहे हो तो ऑन 9:15 ओनली, तो आप देखो कि जो प्राइस है इसका लो कितना है, ठीक है. आप देखो 38,400-38,500 का लो है. और उस समय जो ऑप्शंस की 37,000 का यानी कि 1500 पॉइंट्स डाउन का जो प्राइस चल रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ. इस टाइम पे 160-170 के आसपास चल रहा था. यानी कि आप 2000 के डिफरेंस पे भी अच्छा खासा प्रीमियम गेन कर सकते थे. मैं 1500 के प्रीमियम पॉइंट पे आप देख सकते हो 170. और इवन दो मार्केट जब सेटल हुआ ये शेडो होने के बाद भी अगर आप देखो 120 तक का आपको प्रीमियम्स मिल रहा था. तो ये मैं थोड़ा मिस कर गया, क्योंकि मुझे यही स्ट्राइक चूज करना था, क्योंकि उस समय तक मुझे ये लग रहा था कि ये थोड़ा अचीव करना पॉसिबल नहीं है. बट यहाँ से रिकवरी हुआ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ से रिकवरी हुआ तो मुझे लग गया कि अब मार्केट रिकवर होने वाला है. तो मैंने क्या किया, और मैंने सोचा था कि 37,000 का पीस शॉर्ट करूंगा, बट जो प्रीमियम मुझे मिला आई शॉर्टेड 37,700 का. और वो आप देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कहीं इसको सेल किया था एंड इट वाज अराउंड 122 रुपीस के आसपास मेरा ट्रिगर हुआ. तो 122 के अराउंड मेरा ट्रिगर प्राइस हुआ, क्योंकि यहां से मुझे लगा कि अब मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला है, स्पाइक यहां पे हो रहा है खत्म. और ये जो था ये एक पैनिक डाउन था, पैनिक सेल ऑफ था. और थोड़ा सा अगर मैं स्क्वीज करूं तो आपको ये एक काइंड ऑफ यहां पे आपको एक गैप फिलिंग का जोन दिखाई देगा. ये एक कंप्लीट जोन है आपका सपोर्ट का, ठीक है. यहाँ पे कंप्लीट जोन एक सपोर्ट का है. तो यहाँ से टच करके जब वापस आया ना तो आई वॉज काइंड ऑफ थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स कर सकता है. बट इतना रिवर्स करेगा आई वॉज नॉट श्योर. अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सीधा ऊपर जाना शुरू हुआ. ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट पे काफ़ी IV क्रैश डाउन हुआ है. अगर आपको मैं IV का ये दिखा देता हूँ, ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है. ये देखो 29th, यहाँ से देखो 18 से सीधा 17.4 पे, ठीक है. यहाँ पे क्या चल रहा था 18.24, सीधा 17.4 पे चला गया. और इसका फ़ायदा मुझे मिला, पुट जो मैंने एग्जीक्यूट किया था उसका मैं प्राइस दिखाता हूँ कैसे कितने वंडरफुली ये डाउन हुआ था, ठीक है. 37,700 का
एकदम आप वंडरफुली देख लो कि कितने कितने वंडरफुली इसका डाउन क्रैश हुआ है। यहाँ पे 122 पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था, विद इन वन एन आवर देख लो मैं 64 रुपीज के प्रॉफिट में था, 64 पॉइंट्स के प्रॉफिट में था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी आईवी क्रश का मुझे फायदा हुआ ऑन पुट साइड, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे मुझे एक काइंड ऑफ रिवर्सल दिखाई देना शुरू हो गया, क्या कि मैंने यहाँ पे अपना कॉल लेग भी एग्जीक्यूट किया, विच इज 40,700 का, 40,700 का 10:35 के अराउंड मेरा एग्जीक्यूट हुआ था, विच वॉज अराउंड 110.80 पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ही मैं लगाता हूँ, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो 110.80 पे मेरा ट्रिगर हुआ था, और यहाँ से फिर होल मार्केट फिर नीचे गया, इसी पॉइंट पे आया, और यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ से जो आईवी क्रैश करना शुरू हुआ ऑन टिल द मार्केट एंड, ठीक है, टिल द मार्केट एंड मुझे यहाँ भी 46 रुपीज का फायदा यहाँ पे हो रहा था। ऑन द सेम डे फ्राइडे को ही देखो आईवी क्रैश का मुझे कितना फायदा हुआ, 46 रुपीज में कॉल में फायदा हुआ। एंड अगर मैं लेग पुट लेग की बात करूँ तो पुट लेग को भी अगर आप देखो यहाँ से ऑन द मार्केट एंड, ठीक है, मार्केट क्लोज होने तक भी 74 रुपीज का मुझे फायदा हुआ। तो ऑन फ्राइडे एंड ही, फ्राइडे के क्लोजिंग पे ही मुझे काफी 46 और 74, 110-120 रुपए का तक का मुझे 110 रुपए तक का फायदा हो रहा था। तो काफी अच्छा मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मुझे एडजस्टमेंट ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, और करना भी पड़ा तो मुझे ज्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट में आऊंगा। और उसके बाद देखो कि काफी मार्केट उसी रेंज में सेटलमेंट रहा है, और जो मेरा मैंने सोच रखा था कि मैं जो अपना पोजिशन, तो मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, कि ये एक लेवल है, यहां से टच बैक करके गया था तो ये लेवल पे मैंने सोच रखा था, और नीचे का जो लेवल था वो ये लेवल पे मैंने सोच रखा था कि यहां से अगर नीचे जाता है इस लेवल से एग्जैक्टली एट दिस लेवल, कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल अगर इस लेवल से नीचे जाता तो मैं अपना पोजीशंस मैनेज करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग कि अगर आप देखो कि अभी इसी रेंज में मार्केट मूव कर रहा, और आराम से मैं इस प्रॉफिट को अभी 32,000 का प्रॉफिट ले चुका हूं मैं। तो दैट्स द थिंग कि मैं कहना चाह रहा था कि आईवी को आप किस तरीके से, जब आईवी क्रैश करता है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है, जब लोग बोलते हैं कि हाई मूवमेंट में ऑप्शन सेलर्स नहीं कमा पाते हैं, यार हाई मूवमेंट में ही हमारा सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हाई मूवमेंट पे जब होता है ना, तो आईवी हाई मूवमेंट पे एक हाई मूवमेंट के बाद आने के बाद एक सेटलमेंट पीरियड आता है मार्केट का, तो उस सेटलमेंट पीरियड में ना हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है बीइंग एन ऑप्शन सेलर। तो ये था, ये मैं दिखाना चाह रहा था कि आप आईवी क्रैश होते ही आप किस तरीके से ऑन अ सिंगल डे, आप सोच लो कि मैं 110 पॉइंट का प्रॉफिट उठा चुका था, तो सिंगल डे, और उसके बाद काफ़ी मैं रिलैक्स था, ये वीक काफ़ी रिलैक्स हुआ और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला मुझे। तो आई थिंक अगर आप ये देखोगे मार्जिन भी, अगर आप देखो यहाँ पे 5.6 दिखा रहा है, अगर मैं बास्केट ऑर्डर में आपको दिखा दूँ, ठीक है, बास्केट ऑर्डर में जिस टाइम पे मैंने एग्जीक्यूट किया था उस टाइम पे मेरा जो लगा था वो अराउंड 7.9 के आसपास मेरा एंगेजमेंट हुआ था, जब जिस समय मैंने एग्जीक्यूट किया था IIFL जो मेरा है, ठीक है, उस पर जो एग्जीक्यूट किया था उसमें मेरा 7.9 के आसपास एंगेजमेंट दिखा रहा था। तो अराउंड आप इसी रेंज के आसपास आपका एंगेजमेंट होगा जिस समय आपने एग्जीक्यूट किया था, कि उससे जिस समय एग्जीक्यूट किया था उस समय सारे के प्राइसेस बहुत हाई थे, सो दैट्स वाई अभी ये इतना कम दिखा रहा है, एंड उस समय जो प्राइस था वो था। तो दैट्स द थिंग कि मैं बताना चाह रहा था कि आप किस तरीके से आई वी क्रैश को, एक मोमेंटम को पकड़ के, और जब भी आपको लगे कि वहाँ से मोमेंटम रिवर्स करने वाला है, तो आप किस तरीके से उसको पकड़ के आप एक ट्रेड ले सकते हो, आप बहुत इजीली ट्रेड ले सकते हो। मैं चाहता तो मैं पुट पोजीशन को छोड़ देता तो भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में आता, बट आई वांटेड टू स्टिक विथ माय रूल्स, रूल्स आर रूल्स, ठीक है, तो मैं रूल्स ब्रेक नहीं करना चाह रहा था। तो दैट्स द थिंग कि आप इस तरीके से आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, बहुत ईजिली आप ट्रेड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये था जो मैं कहना चाह रहा था कि आप किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग को एक अप्रोच दे सकते हो, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को ये मिला होगा, और लर्न करने को मिला तो मेक श्योर कि ये नंबर आप इंक्रीज कर दो, ये नंबर जो आपको दिख रहा है ये नंबर इंक्रीज करो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू गाइस, फॉर मोर एडुकेशनल वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लेके आऊँ। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।